हेलो एवरीवन मॉडर्न हिस्ट्री के एक नए लेक्चर जो आज हमारा है मतलब एम है मैंने आपको बताया कि मतलब मैं आपको 1000 थाउजेंड प्रोवाइड करूंगा इसके ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है अब लेक्चर मतलब शुरू करने से पहले मेरी आपकी से कुछ गुजारिश है जब वीडियो देखते हो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है ये तो बिल्कुल ना भूलें ठीक है बेल आइकन भी ज़रूर दबाए ताकि आपको दूसरा लेक्चर की इंफॉर्मेशन सबसे पहले पता चल जाए और हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं मतलब लिंक्स तो आप जाकर वहाँ से हमसे मतलब कॉन्टैक्ट कीजिए वहाँ पर हम कुछ अलग ही लक्चर के बारे में बताते हैं या सारी कुछ चीज़ें या करंट अफेयर के बारे में कुछ वहाँ पर डाल देते हैं तो आपको तो आप हमारे साथ बने रहिए ठीक है तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं ठीक है मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताऊँगा कोशिश करूँगा क्योंकि ये सारे जितने ऑप्शन है ये बिल्कुल मैंने जैसे मतलब एडवेंट ऑफ यूरोप ठीक है जैसे आपको वहाँ पर पढ़ाया सिक्वेंस के साथ वैसे ही सिक्वेंस के साथ ये भी मतलब चलेगा ठीक तो है तो इनशाला चलिए फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पहला हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज वॉयस इन इंडिया पहला वॉयस कौन था डैट मीन ठीक है हु अमंग द फॉलोइंग फॉलोइंगड वेलकम वास्कोटामा एट कालीकट किसने बोला था दैट मीनस जमोरिन ने वो क्या इसमें उसने, उसने क्या बोला था और वास्को वास्कोटामा का कीजिए हमारा क्या न, मतलब किंग ऑफ कॉलिकट है इन विच कॉलिकट में याद था रखना कब 1498 एट में सबसे पहले कॉलिकट में आया करेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड वेन डिड बिल्कुल हाँ फोर्टीन नाइनटी एट द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया बिल्कुल ये कौन रियल फाउंडर बना था तो ये लब की भी बना था ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया डिड द पोर्टुगीज बिल्ड दियर फोर्टिस पहला फोर्ट कहाँ पर इन इन लोगों ने बनाया था पोर्टुगीज वालों ने किन्नोर में हु आयर द फर्स्ट यूरोपियन टू कैम टू इंडिया फॉर ट्रेड पहली बार कौन यूरोपियन आए तो पहली बार पोर्टुगीज वाले आए याद रखना मैं इनका सारे लोगों को बताया डच सिक्सटीन जीरो टू ठीक है इंग्लिश सिक्सटीन एट ये पहुंचे थे यहाँ पर ठीक है फ्रेंच सिक्सटीन सिक्सटी फोर पोर्टुगीज फोर्टीन नाइनटी एट ठीक है तो और हमारे डानिश आती है सिक्सटीन सिक्सटी सिक्सटीन में ठीक है ये थे हमारे कुछ चलिए क्वेश्चन नंबर एट हु आर द फर्स्ट एयरपेन क्वेश्चन नंबर एट हु आर द फर्स्ट एयरपेन्न टू सेट अप द सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया बिल्कुल सबसे पहले पोर्टुगीज आए तो इन लोगों ने सी ट्रेड बताया था ठीक है अच्छा एमंग द फॉइंग फैक्ट्रीज़ इन बंगाल द वन एस्टैब्लिश बाई द पोर्टुगीज वाज इन में से ये मतलब बंगाल में कुछ फैक्ट्रीज डाले थे लेकिन एक पोर्टुगीज ने डाली थी उसका नाम हुगली था ठीक है हुगली वाज यूज फॉर बेस प्राइवेसी इन दया बंगाल किन लोगों ने ये अभी मैंने बताया वहाँ पर तो वहाँ पर बंगाल ये पोर्टुगीज वालन ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉनेक्टेड बाई ब्लू ब्लू वाटर पॉलिसी पहले ही मतलब आप याद रखिए ब्लू वाटर मैंने बताया था अल्मीडा का ब्लू वाटर पॉलिसी ठीक है अच्छा हो अमंग द फॉलोइंग वाज दी फाउंडर ऑफ कलकाता फाउंडर ऑफ कलकाता किस को बोलते जाबक कारनाव को ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन हो अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वाज द लास्ट टू कम प्री इंडिपेंडेंस इन इंडिया मतलब लास्ट पर कौन आया था मतलब इन इन से ठीक है मैंने आपको बताया डच का बाई मतलब सबसे पहले लास्ट पे कौन आया हमारे फ्रेंड्स ठीक है विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इन टू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कौन वाला करेक्ट नहीं है ठीक है या देखना पोर्टुगीज कैप्चर्ड गोवा बिल्कुल गलत है ठीक है तो यही वाला सही होगा इंग्लिश बाकी सही होगी ठीक है जब पहला ही गलत है तो गलत बताना है ठीक है चलिए द फर्स्ट टू स्टार्ट द जॉइंट स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनी किस लोग किसने मतलब किस कंपनी ने पहले यहां पर शुरुआत शुर की थी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तो ये की थी हमारे डच ने ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हाँ यहाँ पर कहाँ पर कहां पर कहा पर सॉरी ये प्ले प्रिंट हुआ क्वेश्चन नंबर यहाँ से है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डच एस्टैब्लिश दियर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया डच लोगों ने कहाँ पर अच्छा नागापट्टनम चिंसोरा मसोलीपट्टनम ए पार्ट यह है बिल्कुल सारी जगहों पर था सूरत बाउट आगरा बिल्कुल कोच अहमदाबाद पटना बिल्कुल सारी जगहों पर इन लोगों ने डच ने, इनके कुछ प्लेस थे ठीक है अच्छा इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है मतलब करेक्ट स्टेटमेंट ठीक है द मॉडर्न कोची वाज अ डच कॉलोनी टिल इंडियन इंडिपेंडेंस बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी ठीक है द डच डिफीटेड द पोर्टीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची बिल्कुल सही है दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आंसर इज बी इज करेक्ट ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन द सेक्रेट सक्सेस सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कामयाबी के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे क्या मतलब क्या छुपा हुआ राज था दबसेंस ऑफ द नेशनलिज्म बिल्कुल हाँ अलग अलग प्रिंसिल स्टेट थी थोड़ी थोड़ी जगहों पर ठीक है अच्छा उसके बाद मतलब थोड़ी थोड़ी अपना अपना मतलब एरिया पे ज़्यादा कब्जा करते थे मतलब नेशनलिज्म की हुबल वतनी की किसी को दर्द नहीं था आपने 1857 फिफ्टी सेवन रिवोल्ट पढ़ा ठीक है तभी वो कामयाब नहीं क्योंकि उसमें नेशनलिज्म नहीं था द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग बिल्कुल हाँ मॉडर्न आर्म आर्मज वार्मेज इनके पास थे और इंडियन सोल्जर्स के पास सारा कुछ लैक था इसलिए ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट ऑल ऑफ थ्री इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चैटर्ड परमिट दैम टू ट्रेड इन इंडिया कौन सी ब्रिटिश कंपनी थी जिसको पहले मिला तो उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है ये तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ठीक है नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज यू एम्पायर ऑफ इंडिया वेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फार्मेड इन लंदन जब लंदन में बनी तो यहां पर कौन एंपायर था तब था अकबर ठीक है क्योंकि अकबर की डेथ हो जाती है और उसके बाद एटीन जीरो सिक्सटीन जीरो 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर पहुंचती है यहां पर ठीक है तब होता है जहांगीर ठीक है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मगल एम्पायर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया ठीक है कौन सा एम्पायर होता है तब होता है जहांगीर जब फर्स्ट कंपनी ये एस्टैब्लिश करती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू यहां से है वायर इन इंडिया डिड ब्रिटिश सेट द फर्स्ट फैक्ट्री कब इन सिक्सटीन जीरो में मैंने क्या बोला था ट बेटल ऑफ बेटल ऑफ सवाली किस किस के दरमिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्टुकीज के दरमियान ठीक है कहाँ पर तो ये सूरत में डाली थी ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडियन वॉज अच्छा फेमस फॉर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम ठीक है ये ब्रिटिशर्स के दरमियान में बिहार ज़्यादा मतलब बिहार में ओपी में ज्यादा बनता था तो यही थी ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर यहाँ से है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशल्स डिफीटेड ऑफ सवाली ये उसका नाम था थॉमस बेस्ट ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इट इस फैक्ट्री एट सूरत कौन सी मतलब तो ये किसने पहले सबसे पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डाल बनाई थी कब सिक्सटीन टवेल्व में ठीक है उसके बाद इन द ईयर सिक्सटी थर्टीन मतलब सिक्सटीन टवेल्व के लास्ट ईयर था तो थर्टीन में ये इस्टब्लिश की थी वायर वाज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन द परमिशन टू सेट अप द फैक्ट्रीज ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ पर मतलब तो ये सूरत पर मिला था जहानगर ने दिया था ठीक है कंपनी वाज टेकन ओवर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्राम मतलब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन मैं डायरेक्ट मतलब आपको इसके आंसर पे ले जाता हूँ दैट इज पोर्टीज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच विच सॉरी विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपलेड बाय औरंगजेब औरंगजेब ने किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को निकाल दिया था याद रखना सर जान चाइल्ड मतलब ऐसे याद रखो कि इसका नाम वो चाइल्ड था उसने बोला कि आप छोटे बच्चे हो वा, वापस जाओ ठीक है तो इसको निकाल दिया था यहाँ से ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इमीडिएट काज फॉर द फर्स्ट कार्नेटिक वार पहला वजह क्या बनी क्या मतलब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन क्या वजह बनी कि फर्स्ट कार्नेटिक वार की ठीक है तो ये बनी थी मतलब क्या कैप्चर्ड द फ्रस्ट फ्रेंट अच्छा फ्रेंच शिपज बाई ब्रिटिशर्स ये मैंने आपको बताया वहाँ पर अच्छे से कहाँ पर इंडियन ओशन में इनको अटैक हुई थी और उसके बाद शुरू हो गया इनका ये मतलब जंग ठीक है फर्स्ट कार्नेटिक वार कार्नेटिक वार वाज फाट बिटवीन कार्नेटिक वार किस किस के दरमियान ये तो आपको पता है इंग्लिश एंड फ्रेंच के दरमियान में हुआ ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी अच्छा हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट यूरोपियन टू अच्छा इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट ऑफ कॉरेज ऑफ इंडियन प्रिंस विद द वेव ऑफ्योर्ड टेरिटरीज ठीक है तो ये किसने ये मतलब ये आप ये मानिए जैसे सब्सिडी अलायंस के बारे में मैंने बोला था मैंने बोला था सबसे पहले शुरू किसने की मतलब ये की थी डुप्लेक्स ने ठीक है तो वैसे ही मतलब यहाँ पर ये वही बोल रहा है मतलब किसने केयर करने के लिए बताया था तो ये पहले सबसे पहले डुप्लेक्स बताता है ठीक है इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच एस्टेब्लिश दियर अर्लियर फैक्ट्री एट ठीक है कहाँ पर ठीक है अर्लीयर फैक्ट्री दैट मीन्स सबसे पहले पहले सूरत में डाली थी ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉन्स्टिट्यूंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मतलब कौन सा तब वहाँ पर क्या मतलब ये ये मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब मरी तो वहाँ पर कौन किसके मतलब दौरान किसके वक्त में तो लेवस एटीन था ठीक है लेबस थर्टीन ठीक है हो अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर टू द फाउंडर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया ठीक है फाउंडर कौन बनता है किसका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का इन इंडिया में ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर दैट इज कबोट कलबोट ठीक है मैं अगर थोड़ा सा कहीं बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है या आपको मतलब तो मैंने इससे पहले लेक्चर्स दिए आप उनको भी सुनिए ठीक है, है तो कोशिश कर रहा हूँ मतलब डे बाई डे इम्प्रूवमेंट मतलब आगे ना कोई बच्चा होकर ऑफलाइन पढ़ाना ठीक है तो मतलब ऑनलाइन पढ़ाना अच्छा मतलब नहीं लगता है क्योंकि लेकिन मजबूरी है पढ़ाना है ठीक है ऐसे थोड़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा ठीक है डे डे बाई डे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी इनशाला ठीक है चलिए विच आर द फॉलोइंग फैक्ट्रीज़ ऑफ बंगाल वॉज अस्टैब्लिश बाई डच ठीक है मतलब डच लोगों ने कौन सी कहाँ पर बंगाल बे, में कंपनी ये ये डाली थी ठीक है फैक्ट्री ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव डेट इज़ चिंसौरा में ठीक है ये मैंने आपको ऊपर बताए थे कुछ ठीक है कितनी जगहों पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है द फ्रेंच फेल्ड टू एस्टैब्लिश पावर्स इन द डेक्कन विकास क्यों फेल हो गए थे फ्रेंच कहाँ पर मतलब ये पावर्स फैलना में डेकन में ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ट इज मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेता हूं इंग्लिश हैड हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी आइडेंटिटी द रीजन ठीक है वाई रिप्रस गाट बेस्ट शोरा एंड ओपीएम ये मैंने आपको पहले भी बताया तो ये तो बिहार है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट कंसिडर दॉलोइंग क्वेश्चन नंबर थर्टी एट ठीक है अब देखें असमेंट ऑफ लैंड रेवन्यूज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉपस पहला बिल्कुल गलत है यूज द मोबाइल कैनज ये क्वेश्चन पढ़ना क्वेश्चन असल में यहाँ पर है ठीक है अच्छा यूज द मोबाइल कैनज ऑफ इन वारफेयर कल्टिवेशन ऑफ टबैको एंड रेड चिलीज विच ऑफ द एबो वाज वायर इंट्रोड्यूसड बाई इन टू दिन टू इंडिया बाई द इंग्लिश इंग्लिश वालों ने ये चीज़ें बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं की थी दैट मीन एन ऑफ दिज ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन मतलब यहाँ पर मैच लिस्ट वन और लिस्ट टू लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है ठीक है पहला क्या है वास्कोटी गामा ठीक है वास्कोटी गामा ठीक है ये कहाँ से था ये था पोर्टुगीज से ठीक है और उसके बाद क्रिस्टोपो कोलम्बस ये कहाँ से था अच्छा यहाँ पे इसमें सी लिखता हूँ ये था स्पेन से ठीक है उसके बाद जेम्स कुक जिसको अच्छा कैप्टन कुक लिखा है ठीक है तो ये कहाँ से था ये था ब्रिटिश से एबल तस्मान यहां पर लिखा है हॉलैंड लेकिन ये असल में डच का था हॉलैंड में माना तभी तो ये डच ठीक है अब हम इनको मतलब देखते हैं कि इसके साथ कौन आता है ठीक है सबसे पहले हमारे पास कौन आना चाहिए पोर्टीज ठीक है टू ठीक है टू इसमें इसमें पहले थ्री है इसमें टू है ये वाला आएगा और ये वाला दैट मीन्स ऑप्शन सारे पहले एलिमेंट हो रही है तो बी वाला इज करेक्ट ठीक है अगर आपको एक भी पता होता तो कौन सा किससे आता है वास्को वॉस्कोटिकामा दैट मीन्स पटकाल ठीक है तो ये आपको ये आप, एक से भी आंसर निकल सकता है ठीक है विद रेफरेंस टू द पौडिचेरी नाउ पौडिचेरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट यूरोपियन वार ऑफ ऑक्यूपाइंग पौडिचेरी बाय द पोर्टुगीज ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी ठीक है अच्छा वाय द पोर्टुगीज द सेकेंड यूरोपियन वार वॉज ऑक्यूपाइंग पौडिचेरी वायर द फ्रेंच बिल्कुल हाँ द अच्छा If, पहले मैं क्वेश्चन फिर पढ़ता हूँ बट द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई द पोडिचेरी वायर द पोर्टुगीज बिल्कुल पोर्टुगीज वालों ने पहले क्योंकि ये पोर्टुगीज़ वालों ने पहले भी कैप्चर की थी मैंने आपको बताया था उन लोगों ने फिर गोवा से शिफ्ट की थी पोर्टुगीज में क्या अपनी कैपिटल ठीक है मैंने आपको बताया था वहाँ पर अगर आपने लेक्चर अच्छे किसी ने किसी को याद ना हो तो वह जाकर लेक्चर देख सकता है ठीक है दैट मीन्स पहले वाला ही करेक्ट हो सकता है ठीक है मैच द लिस्ट वन एंड टू पहले जैसे थे आपको ठीक है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो फर्स्ट कार्नेटिक वार थर्ड कार्नेटिक वार सेकंड कार्नेटिक वार ठीक है और इसके बाद फर्स्ट मैसूर वार ठीक है फर्स्ट कार्नेटिक वार मैंने क्या बताया था आपको किस पे खत्म हुई ट्रिटी ऑफ ट्रिटी ऑफ एक्जिला चैम्प ठीक है एग्जिला चैम्पे ठीक है फर्स्ट थर्ड कार्नेटिक वार सेकंड हुई ट्रिटी ऑफ पोडुचेरी पे तो थर्ड क्या किस पे हुई थी खत्म ट्रिटी ऑफ पैरिस ट्रिटी ऑफ पैरिस तो मैं यहाँ पर पैरिस लिख लेता हूँ ठीक है अच्छा और उसके बाद क्या है ये हमारा फर्स्ट ये, मैसूर वार, ठीक है ये हमारा फर्स्ट मैसूर वार. ट्रिटी ऑफ मद्रास ठीक है तो चलिए हम अब इसको थोड़ा सा क्या फर्स्ट कार्नेटिक वार तो ट्रिटी ऑफ एक्ज क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन अब आप लोग इसे मतलब खुद भी कर सकते हो ठीक है मतलब इसके मतलब तरतीब में ठीक है तो मैं दिखा देता हूँ आपको मतलब फर्स्ट कार्नेटिक बार एक्सरेचैम पे ठीक है थर्ड कार्नेटिक बार ट्रिटी ऑफ पैरिस पे सेकेंड कार्नेटिक बार लिखा है ठीक है ट्रिटी ऑफ पुडुचेरी पे और फर्स्ट मैसूर बार दैट मीनस ट्रिटी ऑफ अगर यहाँ पर सारे यहाँ पर सारी ट्रिटीज नहीं दी गई ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ ठीक है चलिए रुकिए 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 रुकी क्वेश्चन नंबर फोटी वन दैट मीनज फर्स्ट कार्नेटिक वार एंड ऑफ चैम्प तो फोर पार्ट फोर किस में होगा पहले ठीक है तो ये वाला ए है इसमें पहला वन है बी में टू है सी में फोर है ठीक है और डी में थ्री है दैट मीन्स सी है करेक्ट आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी क्योंकि सी में पहले फोर है तो एक ही से ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया ठीक है नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू ठीक है यहां पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ सॉरी उसके लिए आप लोगों को यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू यह लिखा है द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर्ड इन टू द इंडियन ट्रेडर्स एट द टाइम ऑफ मतलब क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू ठीक है दैट मीन्स अच्छा पहले इंग्लिश दे फिर उसके बाद डच फ्रेंच और पोर्टुगीज सेलेक्ट द करेक्ट और अच्छा क्रोनोलॉजिकल आर्डर में ये आप करनी है ठीक है पहले 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 कौन आया ठीक है तो चलिए पहले पोर्टुगीज आए मैंने आपको बताया ठीक है उसके बाद कौन आए उसके बाद यहाँ पर कौन सा है हमारा इंग्लिश सिक्सटीन जीरो एट में ठीक है तो फ्रेंच कब सिक्सटीन सिक्सटी फोर में लास्ट पे आए फ्रेंच ठीक है पोर्टुगीज फोर्टीन नाइन्टी में ठीक है फोर्टीन नाइन्टी एट में ठीक है और हमारे डच है ठीक है डच सिक्सटीन जीरो टू में इसका मतलब पहले कौन आएगा तो फर्स्ट आएगा हमारा पोर्टुगीज़ फोर फोर में है पहले तो इसमें फोर है पहले ठीक तो है तो दैट मीन्स यही वाला करेक्ट है ठीक है क्योंकि इसमें पहला वन है और इसमें थर्ड है इसमें टू है ठीक है अब है क्वेश्चन नंबर लास्ट आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री मैज लिस्ट मतलब इन दोनों को इनको मतलब क्या करना है सेलेक्ट करना है और बताना है ठीक है तो मैं ये आप पे मतलब आप लोगों के लिए रख देता हूँ होमवर्क लेकिन मैं फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका मतलब क्या आंसर पिन कर दूँगा ठीक है आप लोगों के लिए है ये ठीक है तो मैं देखता हूँ कि आप लोग कितने मतलब देखते हो कितने लोग और जिस लोग जिसको पता नहीं होगा वो जाकर अगर कमेंट में लाइक ही करेगा जो मैंने कमेंट मतलब आंसर रखूँगा तो पिन तो मुझे पता चलेगा कितने लोग देख रहे हैं बाकी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़